Assalamu alaikum. We'll be doing chapter number 3, coordinations. Today we'll be covering short answers of chapter number 3, coordination. Question number 1, what do you mean by feedback system? Feedback system kya hai? The hormone secretion is regulated through a feedback system so that they are secreted whenever required. Jab koi hormone release hota hai ya uski koi zarurat padti hai तो फीडबैक सिस्टम के थ्रू हम लोग उसको हमारी बॉडी उसको सीक्रेट करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल एंड पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल. नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल रिफर्स टू द ऑपोजिट इफेक्ट इन रिलेशन टू द स्टिमुलस. नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर किसी एंजाइम की या किसी हार्मोन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो उसके ऑपोजिट काम करता है. लाइक लेट सपोज जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है वो लेवल उसका कम हो जाए. तो यानी कि अगर स्टिमुलस ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल रेंज में लेके आना, उसको वापस नीचे लेके आना, दैट इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कंट्रोल्स रिफर्स टू द एनहेंसमेंट ऑफ द फैक इन रिलेशन टू स्टिमुलस. अब ब्लड शुगर जब लो हो जाता है तो उसको इंक्रीज करना, तो उसके लिए फिर क्या करता है, हमारी बॉडी ग्लूकोगन प्रोड्यूस करता है तो वो इंक्रीज कर लेता है ताकि उसकी इन्हेंसमेंट हुई, ताकि उसकी इंक्रीज हुई है. सो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम. क्वेश्चन नंबर टू वाई इज नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्टर देन केमिकल कोऑर्डिनेशन. यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम से ज़्यादा कैसे फास्ट काम करता है. The nervous coordination is faster than chemical coordination because the nervous system uses electrical impulses to send messages through neurons. जो हमारा nervous system है वो electrical impulses यानी बिजली का इस्तेमाल करता है to send the messages. यानी कि जो brain messages हमारी body तक पहुँचाता है different parts of body तक, और different parts of body जो हमारे brain तक messages पहुँचाता है वो electrical impulses का इस्तेमाल करता है, electricity का इस्तेमाल करता है. इस वजह से उसकी जो movement है वो बहुत ज़्यादा fast है. While the endocrine glands use hormones to send messages to the target cells through the bloodstream. जबकि endocrine glands जो होते हैं हमारे system जो endocrine का, वो blood के अंदर पहले वो hormones को release करता है, उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता blood के through वो जहाँ ज़रूरत होती उस cell तक पहुँचता है. क्योंकि blood की flow electrical impulses से काफ़ी slow होती है तो इसीलिए जो nervous system है वो काफ़ी fast है chemical endocrine system के मुकाबले में. Question 3, which of the two coordination types is better and why? दोनों कोऑर्डिनेशन सिस्टम यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम में बेहतर कौन सा है और वो क्यों है? केमिकल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू हार्मोन्स, सो कोऑर्डिनेशन हैपेंस थ्रू आउट द बॉडी, बट इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कम्युनिकेशन इज लिमिटेड. हियर कम्युनिकेशन हैपेंस इन रीजन्स कनेक्टेड बाय नर्व्स. अब केमिकल कम्युनिकेशन जो होती है हमारी, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स के थ्रू, वो हमारे ब्लड के थ्रू होती है. और ब्लड जो है हमारे बॉडी के हर पार्ट में मूव कर रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि वो उसके जो मैसेजेस होते हैं वो ब्लड बॉडी किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है. जबकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होते हैं वो सिर्फ नर्व्स, जहाँ तक हमारे नर्व्स पहुँचेंगे वहाँ तक वो काम करेगा. जहाँ पे नर्व्स नहीं पहुँच रहा होगा या फॉर सम रीज़न नर्व नहीं काम कर रहा हो उस बॉडी पार्ट का, तो वहाँ तक जो है हमारा जो ब्रेन है मैसेज पहुँचा नहीं सकता. तो एक लिमिटेशन होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए. इसी वजह से जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन से या नर्वस कोऑर्डिनेशन से बेहतर है. क्वेश्चन 4, हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स बाय रिफ्लेक्ट आर्क. रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से काम करता है? सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? The automatic pre-programmed responses regulated by central nervous system are termed as reflex action. यानी ऐसे actions जिसमें brain की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो spinal cord के through हमारे actions control हो रहे होते हैं automatically, वो reflex action होता है. इसका example क्या है? Let's suppose आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाते हैं तो आपका जो हाथ है खुद ब खुद पीछे की तरफ आ जाता है, वो आपका reflex action है. brain को message send नहीं करना पड़ता, वो spinal cord control कर रहा होता है. The pathway of reflex action is termed as reflex arc. जो pathway होता है reflex action का, that is known as the reflex arc. The shortest path of a reflex action involves two neurons, a sensory neuron and a motor neuron. अब reflex action करने के लिए असल में सिर्फ दो neurons की जरूरत होती है, एक sensory neurons and motor neurons. Sensory यानी जो sense कर रहा होता है, उसको feel कर रहा होता है. Like जब आपने गर्म चीज पे हाथ लगाया तो sensory neuron feel कर रहा होता है कि ये चीज गर्म है. फिर वो मैसेज देता है मोटर न्यूरॉन्स को, यानी जो मूवमेंट क्रिएट करता है बॉडी के अंदर. वो मूवमेंट क्रिएट जो करता है तो उससे क्या होता है, वो मैसेज पहुंचाता है कि बहुत चीज़ गर्म है. तो मोटर न्यूरॉन फिर उनको उसको मैसेज डायरेक्टली देता है कि अपने हाथ वहाँ से हटा दो.
तो वो हाथ जो है वहां से हट जाता है। तो यहाँ पे दो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है। लेकिन फॉर सपोज अगर कॉम्प्लिकेटेड आता है तो बीच में एक इंटर न्यूरॉन आ जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो उस चीज को कनेक्ट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स होता है रिफ्लेक्सेस, उसमें फिर इंटर न्यूरॉन्स का भी बीच में फिर ताल्लुकात आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज अ ड्राइवर्स लाइसेंस नॉट इश्यू टू अ कलर ब्लाइंड पर्सन। जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है उनको ड्राइवर्स लाइसेंस क्यों नहीं दी जाती। पीपल विद कलर ब्लाइंडनेस आर नॉट इश्यूड ड्राइवर लाइसेंस ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स। जिनके पास कलर ब्लाइंडनेस होती है वो रेड लाइट और ग्रीन लाइट के बीच में डिफरेंस नहीं पता कर सकते, इनको समझ में नहीं आता रेड और ग्रीन लाइट के बीच में डिफरेंस, क्योंकि उनके आई साइट में मसला होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि फिर एक्सीडेंट वो बहुत सारा कॉज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू थायराइड ग्लैंड स्वेल अप एंड गिव द नेम ऑफ द डिजीज। थायराइड ग्लैंड क्यों सूज जाता है और उस बीमारी को क्या कहते हैं। द थायराइड ग्लैंड स्वेल अप व्हेन द इनटेक ऑफ आयोडीन इन द डाइट इज लो इन एडल्ट्स। जब आयोडीन की मिकदार हमारे बॉडी में बहुत कम हो जाती है तो हमारे थायराइड ग्लैंड जो है वो सूज जाते हैं, और इस बीमारी को गोइटर कहते हैं। दिस एबनॉर्मल कंडीशन इज टर्म एज गोइटर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ आइल्स ऑफ लैंग्रहैन्स सेल्स। आइल्स ऑफ लैंग्रहैन्स सेल्स की रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो जैसे आपने पैंक्रियास में पढ़ा हुआ था दैट इट रेगुलेट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, यानी ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है। इन रिस्पॉन्स टू हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज आइल्स ऑफ लैंग्रहैन्स सेल्स सीक्रेट इंसुलिन। जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड शुगर का लेवल हाई होता है तो इंसुलिन इंक्रीज सीक्रेट करता है, और जब ब्लड शुगर का लेवल लो होता है सो इट विल सीक्रेट ग्लूकागॉन। ठीक है, तो यानी उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल रेंज तक मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ आइल्स ऑफ लैंग्रहैन्स सेल्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इमरजेंसी हार्मोन एंड व्हाई इज इट नेम्ड सो। इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं और उसका नाम ये क्यों रखा गया है। एड्रिनल मेड्यूला जो कि हमारी किडनी के ऊपर होता है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है विच इज नोन एज एड्रेनालिन। उसको इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहते हैं बिकॉज विच रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी कंडीशंस टू प्रोड्यूस द सो कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इमरजेंसी कंडीशंस में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। उस इमरजेंसी कंडीशंस को हम लोग कहते हैं फाइट और फ्लाइट, यानी इसमें क्या होता है कि जब ये एड्रेनालिन प्रोड्यूस होता है तो इंसान या तो बहुत ज़्यादा गुस्से में प्रोड्यूस करता है या बहुत ज़्यादा डर में प्रोड्यूस करता है। उससे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गुस्से में प्रोड्यूस करता है तो उसके पास जो पावर होती है, फिजिकल एनर्जी जो होती है, उसकी फिजिकल पावर जो होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से डर के मारे, डर में जब प्रोड्यूस होता है तो उसकी जो भागने की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब वो इंक्रीज इसलिए होता है बिकॉज देर इज एन इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल। हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो ग्लाइकोजन से वो तोड़ रहा होता है तो बहुत सारी हमारी एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही होती है। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होती है वो, तो हमारी बॉडी जो है उसको इमरजेंसी सिचुएशंस में उसको यूज करता है, और इसी वजह से उसका नाम इमरजेंसी हार्मोन भी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर पॉसिबल रीजंस फॉर पैरालिसिस। पैरालिसिस किन वजूहात कैसे होता है। बेसिकली पैरालिसिस में होता यह है कि इंसान अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकता, या तो पूरी बॉडी को मूव नहीं कर सकता या एक मखसूस पार्ट, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी को वो मूव नहीं कर पाता, तो ऐसी बीमारी को पैरालिसिस कहते हैं। अब इसकी 3 वजह हो सकते हैं। ब्लीडिंग, हेमरेज आता है ब्रेन में कहीं पे। नंबर 2, ब्लड क्लॉट इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन में कहीं पे ब्लड क्लॉट रहता है जिसकी वजह से वो ब्रेन जो है उस पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। 3rd, इंजरी टू द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व्स। या तो आपके ब्रेन पे कोई चोट आई है, आपकी रीढ़ की हड्डी पे कोई चोट आई है, या फिर आपके कोई नर्व्स जो हैं वो उस पे कोई चोट आई है। तो इन वजूहात के आसर क्या होता है कि इंसान या तो पूरी तरह से हिलना बंद कर देता है, या फिर वो अपने किसी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। कभी लेफ्ट साइड होता है, कभी राइट साइड होता है, या फिर सिर्फ एक आर्म या लेग कंट्रोल नहीं कर पाता फिर उसको। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है। एपिलेप्सी इज अ ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन की बीमारी है, इन विच देयर इज अ टेम्पररी अल्टरेशन इन वन और मोर फंक्शन और रिकरेंट सीजर्स। एपिलेप्सी में क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होते हैं जिससे वो मैसेजेस पहुंचा रहा होता है, ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, तो उसके वजह से क्या होता है कि कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी बगैर जो है बगैर किसी रीजन के मूव करना शुरू करते हैं। रिकरेंट सीजर्स का मतलब ये है, सीजर्स यानी कि अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर, तो उसकी पूरी बॉडी लाइक वाइब्रेशन मोड में चली जाती है या बहुत ज़्यादा मूव कर रही होती है, और अक्सर जो है एपिलेप्सी में इंसान बेहोश भी जाता है। इट इज़ ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कुछ मसला आ जाता है जिसकी वजह से वो ब्रेन जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है ब्रेन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10,
डिफ्रेंशिएट बिटवीन केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन बीच में डिफरेंस बताना है. नर्वस कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन जो सेल्स हैं उसकी वजह से होता है. सिग्नल टाइप इज इलेक्ट्रोकेमिकल, वो इलेक्ट्रिक एंड केमिकल के साथ मूव कर रहा होता है. रैपिड इन एक्शन, बहुत फास्ट होता है. रिस्पॉन्स इज इन शॉर्टर ड्यूरेशन, यानी वो बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड कर लेता है. एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये बहुत एडवांस टाइप होता है. तमाम एनिमल्स में ये नहीं होता, ये कुछ एनिमल्स में पाया जाता है जो एडवांस लेवल में होते हैं, लाइक जिनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल या ऑर्गन लेवल्स होते हैं. एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनिमल्स, यानी प्लांट्स के अंदर ही आपको ये नर्वस कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आएगा. इन्वॉल्व्स न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये न्यूरॉन्स के थ्रू मूवमेंट या मैसेज पहुंचा रहे होते हैं. केमिकल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ स्पेशल सीक्रेटरी सेल्स, यानी स्पेशल सेल्स होते हैं जो केमिकल्स को सीक्रेट कर रहे होते हैं, उसके थ्रू वो मैसेज पहुंचा रहा होता है. सिग्नल टाइप इज प्योरली केमिकल, वो सिर्फ केमिकल के थ्रू अपने मैसेज पहुंचा रहे होते हैं. स्लोअर इन एक्शन, बहुत ज़्यादा स्लो ये काम कर रहे होते हैं. रिस्पॉन्स इज लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी इनकी ड्यूरेशन क्योंकि स्पीड स्लो होती है तो इसलिए उनको टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने में. प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा लाइक लो लेवल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं. रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनिजम्स, इस टाइप की जो कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं और हर तरह के ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. इन्वॉल्व अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, यानी बायो मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके ये पूरा मैसेज पहुँचा रहे होते हैं. सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेशन. शॉर्ट आंसर्स कंप्लीटेड. अल्लाह हाफिज़.